परिसरा महापर्व जैसे ही हमारे कानों पर यह शब्द पड़ता है, परिसरा महापर्व की आराधना का जब जब भी उत्सव बनता है, परिसरा महापर्व की आराधना के जब जब भी दिन आते हैं, तो दो सवाल हमारे सामने खड़े होते हैं। सबसे पहले नंबर में वाय पर्युषणा, क्यों पर्युषणा का इतना महत्व? आज के लोगों के दिमाग में चाहे कोई भी काम कर ले, सबसे पहले यह सवाल खड़ा होता है, वाय क्यों करना? पर्युषणा में ही आराधना क्यों करनी? पर्युषणा में ही तप क्यों करना? पर्युषणा में ही त्याग क्यों करना? पर्युषणा में ही साधना क्यों करनी? पर्युषणा में ही शरीर को क्यों तपाना? पर्युषणा में ही विविध प्रकार की आराधनाओं में क्यों जुड़ना? रीजन क्या है? शास्त्रकार भगवंत ने बड़ी अच्छी बात लिखी है, कहा है, आखा वर्ष मा ए दिन मोटा, आठे नहीं एमा छोटा, ए उत्तम ने उपकार। कहा गया 8 दिन क्यों? क्योंकि पूरे साल में यदि देखा जाए 365 दिन में से सबसे महत्वपूर्ण यदि 8 दिन कोई है तो ये 8 दिन। सबसे जल्दी कर्म क्षय करवाने वाले यदि कोई 8 दिन है तो ये 8 दिन। तप के द्वारा, त्याग के द्वारा, आराधना के द्वारा, साधना के द्वारा, अलग अलग तरह से आत्मा को तपा करके आत्मा का शुद्ध स्वरूप धारण करवाने वाले यदि कोई है तो ये 8। इसीलिए कहा कि पूरे साल में सर्वश्रेष्ठ यदि 8 दिन कोई है तो ये 8 दिन है। पूरे साल में सर्वोत्कृष्ट दिन यदि देखा जाए तो ये 8 दिन है। और इसीलिए कहा कि यही 8 दिन में आराधना करनी, यही 8 दिन में साधना करनी, यही 8 दिन में तप त्याग करना, यही 8 दिन में शरीर को छोड़ करके आत्मा की चिंता करनी, क्योंकि ये 8 दिन वेरी इंपॉर्टेंट, बड़े महत्वपूर्ण है। इसलिए हमारे यहां लिखा गया कि आखा वर्ष मा ए दिन मोटा, आठे नहीं है माचो। कहा कि पूरे साल में सबसे महत्वपूर्ण 8 दिन, और एक भी दिन उसमें छोटा या बड़ा, एक भी दिन कम नहीं है। एक एक दिन की ये ताकत है, जो चाहे तो हमें सदगति दिलवा दे, चाहे तो हमें परम गति दिलवा दे, चाहे तो हमारे जीवन में आनंद ला दे, चाहे तो हमारे जीवन में पुण्य का भंडार भर दे, चाहे तो हमें खुशी प्रदान कर दे, चाहे तो हमारे जीवन को समाधि मरण तक ले जाए, चाहे तो यहां बैठे बैठे आत्मा का उद्धार करवा दे, एक एक दिन के भीतर ये ताकत है। इसीलिए कहा कि आठे नहीं एमा छो। ये मत समझना कि खाली संवत्सरी की आराधना श्रेष्ठ है। पर्युषणा का पहला दिन भी इतना महत्वपूर्ण है, और पर्युषणा का दूसरा दिन भी इतना महत्वपूर्ण है, पर्युषणा का 8वां दिन भी इतना महत्वपूर्ण है। हर एक दिन का एक एक अद्भुत महत्व, वैचारिक क्रांति का यह अवसर, विचारों को बदलने का यह अवसर है, शरीर को बदलने का यह अवसर है, जीवन को बदलने का यह अवसर है। ऋषि ने कहा वाय पर्युषणा, ये 8 दिन क्यों? क्योंकि ये 8 दिन पूरे साल में सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्कृष्ट है, सबसे बड़े है, ऐसे हमारे शास्त्रों में लिखा गया है। इसीलिए ये 8 दिन, ये हम नहीं कहते, भगवान महावीर नहीं कहते, हमारी परंपरा कहती है, हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारे हरेक तीर्थंकरों ने ये पर्युषणा की बात करी है। और इसीलिए कहा कि पूरे साल में सबसे महत्वपूर्ण ये 8 दिन वाय पर्युषणा। जब भी दिमाग में थॉट्स आवे, जब भी दिमाग में ख्याल आवे, तो समझ लेना कि पूरे साल में सबसे बड़े 8 दिन यदि कोई है तो यही 8 दिन। बड़ा सुंदर शब्द है पर्युषणा, परि प्लस उषणा, संस्कृत शब्द है, परि यानी चारों तरफ से, उषणा यानी आत्मा के करीब आना। करीबन करीबन आप लोगों के जीवन को देखा जाए, साधु संतों की बात छोड़ दो, श्रमणी भगवंतों की बात छोड़ दो, लेकिन करीबन करीबन आप लोगों के जीवन को देखा जाए तो आप भटके हो। मैं कई बार सवाल उठाता हूं कि पूरे दिन में हमें शायद एक बार भी आत्मा याद आता है कि नहीं आता? शायद नहीं। यदि हमारे पास ज्ञान नहीं, यदि हमारे पास समझ नहीं है, यदि हमारे पास जागृति नहीं है, तो संसार में करीबन करीबन लोग ऐसे हैं जो संसार में इतने डूबे हुए रहते हैं कि शायद आत्मा की याद तक नहीं आती। और इसीलिए शास्त्रकार भगवंत ने कहा कि 8 दिन ऐसे हैं जहां चारों तरफ से भटकते हुए मन को, चारों तरफ से भटकते हुए आत्मा को एक जगह पर ला करके स्थिर कर देना, उसका नाम है पर्युषणा। आत्मा कहीं और भटक रहा, मन कहीं और भटक रहा है, और चारों तरफ जो मन भटक रहा है, जो आत्मा भटक रहा है, उसको एक जगह पे लाकर के स्थिर कर देना, उसका नाम है पर्युषणा। ऋषि ने कहा कि समझ लेना वाय पर्युषणा सबसे श्रेष्ठ ये 8 दिन। आपको शायद पता हो, तीर्थाधिराज की यदि बात आती है तो कौन सा तीर्थ याद आता है? कौन सा तीर्थ? कौन सा तीर्थ? शत्रुंजय महातीर्थ याद आता है।
मंत्राधियाज की यदि याद आती है तो कौन सा मंत्र याद आता है? नौकार महामंत्र याद आता है। तीर्थाधिराज जैसे ही शब्द हमारे कानों में पड़ता है, हमारी आंखों के पटल के सामने शत्रुंजय महातीर्थ आ जाता है, आदिश्वर दादा आ जाते हैं। मंत्राधिराज शब्द जब कान के ऊपर पड़ता है तो आंखों के सामने नमस्कार महामंत्र के 68 अक्षर आ जाते हैं। 68 जो अलग 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 अक्षर है, जो 9 पद है, वो हमारे सामने आ जाते हैं। यंत्राधिराज की जब बात आती है तो सिद्ध चक्र हमारे सामने। हजारों तीर्थ पूरे भारत भर में, पूरे विश्व में है, लेकिन शत्रुंजय की तोल में बैठ सके, शत्रुंजय के बराबर हो सके, ऐसा एक भी तीर्थ नहीं। हजारों मंत्र हमारे यहाँ जीर्ण शासन में है, जैनिज्म में है, लेकिन नमस्कार महामंत्र की बराबरी कर सके ऐसा एक भी मंत्र नहीं। अनेकों यंत्र यहाँ पर है, लेकिन सिद्ध चक्र की बराबरी कर सके, नौपद जी की बराबरी कर सके ऐसा एक भी यंत्र नहीं। और शास्त्रकार भूगुंद ने कहा कि अनेकों पर्व हमारे यहाँ पे है, लेकिन पर्युषणा महापर्व की बराबरी कर सके ऐसा एक भी पर्व, सिंगल ऐसा पर्व नहीं है जो पर्युषणा महापर्व की बराबरी कर सके। चाहे अनेक पर्व है, चाहे कई पर्व शाश्वत है, कई पर्व हमेशा के लिए है, कई पर्व उत्कृष्ट परिणामदायक है, लेकिन पूरे देखा जाए पर्वों की श्रृंखला को तो यह समझ में आता है कि परिश्रमा महापर्व की बराबरी कर सके ऐसा एक भी पर्व जिन शासन में नहीं है। और इसलिए जब पर्वाधिराज कहा जाता है तो कौन सा पर्व आता है? कौन सा पर्व आता है? पर्युषणा महापर्व। जब जब भी ये सवाल उठे वाय पर्युषणा, तब ये समझ लेना कि पूरे साल में 8 दिन सर्वश्रेष्ठ है। हमारी गुरु परंपरा कहती है, हमारी शास्त्र परंपरा कहती है, हमारे परमात्मा कहते हैं, हमारे महावीर कहते हैं, इसलिए ये 8 दिन आराधना के लिए उत्कृष्ट है, ये 8 दिन आराधना के लिए श्रेष्ठ है। और जब दूसरा सवाल हर एक के मन में खड़ा होता है, हाउ पर्युषणा, कैसे उसको सफल बनाए, क्या करना पर्युषणा महापर्व में ताकि पर्युषणा महापर्व सफल हो, क्या ये ताकत हमारे भीतर जगानी है, क्या आराधना साधना करनी है, कौन से क्षेत्र में आगे बढ़ना है, पर्युषणा महापर्व में हमें करना क्या है। कई आज के यंगस्टर्स होते हैं, कई युवक युवतियां होती है, उनको शायद पता नहीं कि पर्युषणा में करना क्या है। क्या के समझ लेना 5 P आपके पर्युषणा को सक्सेस बना सकते, वाई पर्युषणा एंड हाउ पर्युषणा। पर्युषणा क्यों, पर्युषणा कैसे, यदि ये दो कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में क्लियर हो जाए तो पर्युषणा महापर्व हमारे लिए बेस्ट बन सकता है, पर्युषणा महापर्व हमारे लिए श्रेष्ठ बन सकता है, पर्युषणा महापर्व हमें तारने वाला बन सकता है। वरना समझ लेना हर साल पर्युषणा आते हैं और हर साल जाते हैं, लेकिन कहाँ जाता है, वो बेल की तरह हम है, सुबह से निकले शाम तक घूमते रहे घूमते रहे घूमते रहे, शाम को पूछे कहाँ, तो के वहां के। आज उत्साह होगा, 8वें दिन उत्साह होगा, लेकिन 9वें दिन वापिस जैसे थे वैसे के वैसे। कहां, जब तक हमें यह पता नहीं कि हाउ पर्युषणा, पर्युषणा महापर्व को सफल कैसे बनाए, उसको श्रेष्ठ कैसे बनाए, उसको सार्थक कैसे बनाए, जब तक ये हमारे भीतर में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तब तक हर साल पर्युषणा आएंगे, हर साल जाएंगे, हम तो वो बेल की तरह वहां के वहां, हमें वहां के वहां नहीं रहना है। ये पर्युषणा कुछ अलग बनाना है, ये पर्युषणा कुछ क्रांतिकारी बनाना है, ये पर्युषणा कुछ परिवर्तनकारी बनाना है। और इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, समझ लेना 5 चीजें यदि आप पर्युषणा महापर्व में कर लेते हो तो आपके पर्युषणा महापर्व सार्थक है, ये समझ लेना। 5 चीजों पर ध्यान करें। सबसे पहले नंबर में प्रतिक्रमण, पर्युषणा महापर्व के 17 प्रतिक्रमण की बात हमारे यहां पर शास्त्रों में धर्म ग्रंथों में लिखी गई। आज सुबह से लगा करके 5वीं की सुबह तक का प्रतिक्रमण, हर रोज सुबह शाम जो प्रतिक्रमण होते हैं वो 17 प्रतिक्रमण की बात हमारे यहाँ पे शास्त्रकार भगवंत ने लिखी। और इसलिए कहा कि ये 5 P यदि आपके पास है तो पर्युषणा का P सक्सेस हो सकता है, वरना पर्युषणा ऐसे ही खत्म हो जाए। प्रतिक्रमण एक जिन शासन की कितनी अद्भुत प्रक्रिया, आप सोचो तो सही। पापों से पीछे मुड़ने की प्रक्रिया, पापों को खत्म करने की प्रक्रिया। हर रोज आप दुकान पर बैठते हो और कई लोगों की आदत होती है, हर रोज शाम होती है तो हिसाब कर लेते हैं कितना नुकसान कितना मुनाफा, आज कितना गया आज कितना आया।
आज का प्रॉफिट कितना, आज का लॉस कितना, हम हर रोज शाम को ये चेक कर लेते हैं। इसी तरह से पूरे दिन में हमारे से कितने पाप हुए हैं उसका हिसाब किताब करने की परंपरा, यानी शाम का प्रतिक्रमण, और पूरी रात्रि में हमारे से कितने पाप हुए हैं उसका हिसाब किताब करने की परंपरा, यानी सुबह का प्रतिक्रमण। कितनी अद्भुत परंपरा, आप सोचो तो सही। क्या एक एक सूत्रों की ताकत है, मात्र भाव से इरिया वैया सूत्र बोला जाए तो केवल ज्ञान और केवल दर्शन की प्राप्ति हो जाए, ये ताकत हमारे भीतर है, समझ लेना। मात्र भावों से इरिया वैया सूत्र बोला जाए, पूरे प्रतिक्रमण की बात नहीं करता, प्रतिक्रमण में अनेक सूत्र है, प्रतिक्रमण में अनेक आराधना है, अनेक क्रिया है, मात्र मैं कहता हूं एक इरिया वैया सूत्र यदि भावपूर्वक ध्यान पूर्वक उपयोग पूर्वक बोला जाए तो केवल ज्ञान और केवल दर्शन की प्राप्ति हो गई, ऐसे अयमुत्ता मुनि का उदाहरण हमारे सामने। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि यदि पर्युषणा महापर्व को सफल बनाना है, 17 प्रतिक्रमण के बिना पर्युषणा महापर्व सफल नहीं होगा। पहला भी प्रतिक्रमण निश्चित तौर पर प्रतिक्रमण में ताकत। हमारे यहां तो यहां तक लिखा गया कि संवत्सरी महापर्व का एक प्रतिक्रमण, और एक प्रतिक्रमण के भीतर ये ताकत है, यदि भावपूर्वक संवत्सरी महापर्व का प्रतिक्रमण कर लिया जाए तो पूरे साल के, अरे मैं कहता हूं पूरे साल के नहीं, पूरे भव के नहीं, भव भव के पाप नाश कर सके, ये ताकत संवत्सरी महाप्रतिक्रमण के अंदर है। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूं, मात्र संवत्सरी नहीं, यदि हमारे पास समय है, यदि हमारे पास शक्ति है, यदि हमारे पास संयोग है, यदि हमारे पास आराधना का अवसर है और 17 प्रतिक्रमण हम नहीं करते तो परिश्रम महापर्व को शायद सार्थक नहीं बना। पहला पी प्रतिक्रमण, दूसरा पी प्रवचन, समझना। ये पांच भी परिश्रम महापर्व को सफल बनाएंगे, वरना आते जाते परिश्रम रहेंगे, हम वहीं के वहीं रह जाएंगे। दूसरा पी प्रवचन, कितनी अद्भुत हमारे यहां पे परंपरा। पहले तीन दिन अष्टानी का प्रवचन का वांचन, दूसरे चार दिन कौन सा सूत्र कल्प सूत्र का वांचन, और लास्ट वाले दिन कौन सा सूत्र, बारसा सूत्र। पहले तीन दिन अष्टानी का महासूत्र, शासन के गीतार्थ आचार्य भगवत लक्ष्मीश्वरेश्वर जी महाराजा ने जिसकी रचना करी, ऐसे अष्टानी का महासूत्र, उसके बाद के चार दिन कल्प सूत्र, जिन शासन की गीता जिसको कहा जाए, जिन शासन का प्राण जिसको कहा जाए, जिन शासन की चाहे साधु की चाहे श्रावक की एक भी आचार मर्यादा ऐसी नहीं जिसका वर्णन उसमें ना आया हो, चाहे गृहस्थ जीवन हो, चाहे संसारी जीवन हो, चाहे साधु जीवन हो, चाहे व्यापारिक जीवन हो, चाहे पारिवारिक जीवन हो, हर एक के लिए संदेश लेकर के आने वाला सूत्र यदि कोई है तो कल्प सूत्र। जिस तरह से कहा जाता है कि हिंदू धर्म परंपरा में भगवद गीता का महत्व, जिस तरह से कहा जाता है कि मुस्लिम धर्म परंपरा में कौन से ग्रंथ का महत्व है, किसका महत्व है, कुरान का महत्व है, जिस तरह से कहा जाता है कि ख्रिस्ती धर्म परंपरा में कौन से ग्रंथ का महत्व है, बाइबल का महत्व है, इसी तरह से 100% माना जाता है कि जैन धर्म परंपरा में सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ यदि कोई है तो वह कल्प सूत्र। आचार को बताने वाला, क्योंकि आचार से तो हमारा जीवन बनता है, आचार से हमारा जीवन डेवलप होता है, कल्प यानी आचार, आचार को बताने वाला सूत्र यानी कल्प सूत्र, चार दिन कल्प सूत्र का भाषांतर और लास्ट दिन बारसा सूत्र, कल्प सूत्र का मूल स्वरूप और भद्रबाहु स्वामी महाराज ने जिसकी रचना करी, ऐसे अद्भुत कल्प सूत्र का वांचन। लेकिन समझ लेना, आठ दिन में प्रतिक्रमण के बाद में दूसरा पी, यदि आप प्रवचन नहीं संभाल पाए तो प्रवचन सार्थक। एक अक्षर मिश्रो हमारे यहाँ यहाँ तक लिखा गया कि 21 बार भावपूर्वक यदि कल्प सूत्र की श्रवणा आप करते हो, कल्प सूत्र को मात्र सुनते हो तो भी आपका बेड़ा पार हो सकता है। सुगुरु मुख थी ये सार, सुने अखंड 21 बार, जुए अष्ट भवे शिव प्यारे। कहा गया आपने 21 बार भावपूर्वक मात्र कल्प सूत्र सुन भी लिया तो भी आठ भव में मोक्ष हो जाए, ऐसी निश्चित गारंटी हमारा जिन शासन देता है। और ऐसे कल्प सूत्र को श्रवण करने का, ऐसे अष्टानी का ग्रंथ को श्रवण करने का, ऐसे बारसा सूत्र को श्रवण करने का उसे हमारे प्रवचनों में मिलता है। और इसीलिए शास्त्रकार भगवत ने कहा कि समझ लेना, पहला पी प्रतिक्रमण, दूसरा पी प्रवचन, तीसरे पी की बात करते हैं, तीसरा पी यानी पचक खान।
पूरे साल भले शरीर को संभाला, लेकिन ये 8 दिन तो फोकस आत्मा के ऊपर, शरीर को देखेंगे, शरीर की चिंता करेंगे, शरीर के बारे में सोचेंगे तो शायद वियासना करना भी दुष्कर हो जाएगा, और आत्मा की चिंता करेंगे तो अट्ठाई भी हंसते हंसते हो जाएगी। हमारे मन के ऊपर है, हमारा फोकस कहां पे है, हमने फोकस कहां पे लगा करके रखा है। यदि शरीर का सोचते रहे तो वियासना भी दुष्कर हो जाएगा, और यदि आत्मा की कभी सोची, आत्मा के बारे में कभी विचार किया, आत्मा के बारे में कभी चिंता करी तो समझ लेना अट्ठाई भी हंसते हंसते हो जाएगी। हमारा फोकस कहां है ये बड़ा महत्व। तीसरा पी पचकान, एक भी दिन ऐसा खाली ना हो जहां हमारे मुंह खुले। रात्रि भोजन की तो सोच ही नहीं सकते, रात्रि भोजन के बारे में तो विचार ही नहीं कर सकते। हमारे यहां तो यहां तक लिखा गया कि जो पर्युषणा महापर्व की पचकान की जो शुद्ध सुविशुद्ध परंपरा है वो कैसी है जरा समझ लेना। हो सके, शक्ति हो, अनुकूलता हो तो 8 उपवास। यदि आपका शरीर मना करता हो कि 8 उपवास नहीं हो सकते, पहला उपवास, दूसरा एकासना, फिर वड़ा कल्प का छठ, 2 उपवास, उसके बाद में एकासना, और उसके बाद में प्रायश्चित का 8ठम, ये हमारी परंपरा है। शायद लगातार 8 उपवास आप नहीं कर सकते, पहला उपवास पर्युषणा प्रारंभ 28 धर का पहला उपवास, उसके बाद में एकासना। और एक चीज समझ लेना, एकासना तप में नहीं आता, एकासना पारणे में आता। हमारी जिन शासन की परंपरा अम्बिल के ऊपर के तप को तप कहा जाता है, एकास्ते को तप नहीं कहा जाता, इसलिए वो पारणा कहा जाता है, पारणा माना जाता है। एकास्ता करके, वियासता करके मन में ये मत सोच लेना कि मेरी तपस्या चल रही है, एकास्ता पारणे में है, तप में जरा भी नहीं। तप में तो अम्बिल के ऊपर की जो भी तपस्या है, अम्बिल उपास छठ अठप अट्ठाई, ये तपस्या में आता है, एकास्ता कोई तप में आता। 50 आइटम सामने लगा करके बैठते हैं, पहले सुबह का नाश्ता कर लेते हैं, फिर दोपहर का भोजन भी ले लेते हैं, फिर शाम का थोड़ा अल्पाहार भी कर लेते हैं। गुरुदेव आज एकास्ता है, कैका एकास्ता भाई, रोज दोपहर को कितनी रोटी, तो के 2, एकास्ता में तो के 6, उससे अच्छा तो छुटाई कर ले भाई, तेरे लिए ठीक है। मृत्यु संघ से भ्रष्टाचार, हमारे यहाँ पे लिखा गया कि जीवा को कंट्रोल करना है, जीवा को नचाना नहीं है, वो जैसे नचाए वैसे नाचना नहीं है। तब की बात, हमारे यहाँ पे जिन शासन में कितनी अद्भुत तब की परंपरा, और हम एकास्ते में अरे हमारे लिए ये बना देना, हमारे लिए ये तैयार कर लेना। कई लोग तो किचन में जाके मेनू देख के आए होंगे कि आज एकास्ते में क्या बन रहा है। रस त्याग की बात है, वृत्ति संक्षेप करने की बात है, जीवा को संतुलित करने की बात है, और इसीलिए मैं बता रहा हूं समझ लेना। तीसरा पी पचकान, यदि सही रूप से आप पर्युषणा महापर्व की आराधना करना चाहते हो, अट्ठाई नहीं हो सकती, पहला उपवास एकासना, 2 उपवास एकासना और 8ठम, और ये भी न हो सके तो तीसरा उपाय, पहला उपवास 6 एकासने और लास्ट वाला उपवास, 3 अलग अलग विविध तपस्या हमारे यहाँ पे बताई गई। और इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ, पचकान, यदि आपके पर्युषणा महापर्व में आपका मुंह खुला है, आप कुछ भी खा रहे हो, आप पूरे दिन खाते रहते हो, तो पर्युषणा महापर्व आपके लिए निरर्थक है। ये तो तप करने का मौसम है, ये तप करने का अवसर है। और एक चीज समझ लेना, सामान्य दिनों में आप तप की प्रेरणा मन को करोगे तो मन मना कर दे, लेकिन अभी मौसम है, अभी अवसर है, अभी थोड़ी सी प्रेरणा कर दोगे, थोड़ा सा धक्का लगा दोगे तो आसानी से हो जाएगा। कोई आपको कहे कि कार्तिक महीने में 28 करनी है, कोई हिसाब से नहीं होगी, लेकिन यदि गुरुदेव की प्रेरणा मिले, घर का माहौल अच्छा हो और मन को थोड़ा धक्का लगा दे, तो ये महीने में, ये 8 दिन में 28 बड़ी आसानी से हो सकती है। और इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, आप खाली हिसाब लगा लेना कि जीवन में आज तक हमने खाया, फिर भी ये जीवा संतुष्ट नहीं हुई, फिर भी ये पेट संतुष्ट नहीं हुआ, अरे 8 दिन नहीं खा लेंगे तो क्या होना है, मन को मजबूत बनाना है, तभी जाकर के तपस्या होगी। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं समझ लेना, पहला पी प्रतिगमन, दूसरा पी प्रवचन, तीसरा पी पचकान।
बिना पचकान का एक भी दिन ना हो, और कोशिश ये करना चाहे आपकी उम्र हो, चाहे तप न हो पाता हो, चाहे कुछ ना हो पाता हो, लेकिन कम से कम बियासने से नीचे तो नहीं ही उतरना। किसके लिए? जो बुजुर्ग है, जो उम्र दराज है, जिनका शरीर साथ नहीं देता, उसके लिए कहा गया कि कम से कम बियासना, बियासने से ऊपर की तपस्या, उससे नीचे नौकार सिकातों की सोचना ही मत, तभी जाके ये परिश्रमा महापर्व हमारे सार्थक हो गए, परिश्रमा महापर्व हमारे सफल। चौथे पी की बात करते हैं, और चौथे नंबर में पी है प्रसम। प्रसम यानी समा भाव। चौथा पी प्रसम का है, प्रसम भाव का है, समा भाव का है के परिसरा महापर्व में यदि आठ दिन हमारे भीतर समा जागृत नहीं होती तो समझ लेना परिसरा महापर्व निरर्थक है। परिसरा महापर्व का प्राण यदि कोई है, परिसरा महापर्व का हार यदि कोई है, वो समा भाव है का चौथे नंबर में प्रसम, जिसका पक्षालन हमारे आत्मा को शुद्ध कर दे उसका नाम है प्रसम। जो हमारे आत्मा की अशुद्ध को दूर कर दे उसका नाम है प्रसम। और इसीलिए कहा कि समझ लेना चौथे नंबर का यदि पी कोई है तो वह प्रसम है। प्रसम यानी क्षमा भाव। आपके भीतर यदि समता का भाव आठ दिन नहीं जगता तो समझ लेना सब आराधना निरर्थक। यहां पे आप प्रवचन श्रवण करते हो और घर जाके किसी के साथ आपका मन मुटाव होता, आपको किसी ने एक लाइन कह दी, आप उसको सहन नहीं कर पाते, तो समझ लेना हमारा परिसरा महापर्व निरर्थक है। आठ दिन तो समा भाव जगाने के लिए है, आठ दिन समा की भावनाओं को बहाने के लिए है, आठ दिन समा भाव में रममान होने के लिए है। और इसलिए कहा कि समझ लेना चौथे नंबर का पी यदि कोई है तो वो प्रसन्न है। और आपको भी पता है कि पूरे परिसरा में सब कुछ कर लिया लेकिन यदि भाव पूर्वक समा नहीं करी तो परिसरा महापर्व सार्थक नहीं। हर कोई हम हर चीज कर ले लेकिन भाव पूर्वक समा हमने शत्रु को नहीं करी तो समझ लेना हमारे परिसरा महापर्व सार्थक नहीं होगे। और इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं चौथा पी प्रसम का है। और पांचवा और आखिरी जो पी है, शास्त्रकार भगवंत कहते हैं पांचवा पी प्रायश्चित का। पूरे साल में नहीं, पूरे भव में ये जीव ने इतने अपराध किए हैं, ये जीव ने इतने पाप किए हैं कि सोच नहीं सकते हो। शायद आपके साथ में उठने बैठने वाले को ना पता हो लेकिन हमें निश्चित तौर पर पता है कि पूरे साल में कितने पाप किए हैं, कौन से बृहत पाप किए हैं, कौन से बड़े पाप मेरे हाथों से हुए है। अरे छोटे से छोटे पापों का भी प्रायश्चित, क्योंकि हमारे यहाँ पे लिखा गया कि समझ लेना प्रायश्चित में ये ताकत है कि आपके पापों को दोष। यदि प्रायश्चित नहीं किया और एक एक पाप भुगतने पड़े तो अनेकों भव भी कम पड़ जाए। जो पाप हम मनुष्य जीवन में करते हैं समझ लेना ये मनुष्य जीवन दोधारी तलवार है। यहां पे पुण्य की पराकाष्ठा भी हो सकती है तो यहां पे पाप की पराकाष्ठा भी हो सकती है। यहां पे पुण्य के क्षेत्र में आप सर्वोत्कृष्ट कर सकते हो तो पाप के क्षेत्र में भी सर्वोत्कृष्ट कर सकते हो। ये ताकत मनुष्य जीवन की है। और इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं प्रायश्चित कर लेना। आठ दिन में दस दस मिनट का समय ऐसा निकाल जहां बैठ के और कुछ नहीं करना, जहां बैठ के हम इंट्रोस्पेक्शन करें, जहां बैठ के खुद को देखे, जहां बैठ के खुद के पापों को याद करे। और यदि उत्कृष्ट पाप हो तो आंखों से आंसू आ जाए कि परमात्मा तेरा शासन मिला, तेरा जीवन मिला, मनुष्य जन्म मिला, उसके बाद में भी मेरे से इतने पाप, परमात्मा मुझे माफी कर देना, मुझे माफ कर देना, जितने भी पाप मेरे से हुए है, मेरी वजह से किसी को हर्ट हुआ, मेरी वजह से किसी को दुख हुआ, मेरी वजह से किसी का अपमान हुआ, मेरी वजह से किसी को कुछ कुछ परेशानी हुई हो, मेरी वजह से किसी को व्यवघात हुआ हो, किसी को आघात हुआ हो, किसी को नुकसान हुआ हो, हर एक को माफी मांग लेना हर एक से। और इसीलिए कहा कि प्रायश्चित का बड़ा ही उत्कृष्ट महत्व है। यदि हमारे यहाँ पे लिखा गया कि भव आलोचना किए बिना, प्रायश्चित लिए बिना, पापों का प्रक्षालन किए बिना आप यहां से जाते हो तो निश्चित तौर पर दुर्गति होती है। और इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं यदि परिसरा महापर्व को सफल बनाने हैं, ये पांच पी हमेशा आंखों के सामने रखना। सबसे पहले नंबर में सभी साथ में मिलकर, पहले नंबर में प्रतिक्रमण, दूसरे नंबर में प्रवचन, तीसरे नंबर में
पचकान, चौथे नंबर में प्रसम और पांचवें नंबर में प्रायश्चित। यदि ये पांच पी आपके पास है तभी पर्युषरा महापर्व का पी सक्सेस होगा, वरना कितने ही पर्युषरा आए कितने गए। और जब जब भी दो सवाल आपके भीतर खड़े हो, हाउ पर्युषरा वाय पर्युषरा, तब ये क्लियर कर लेना कि यदि पांच पी है तो पर्युषरा सफल हो गए। ये आठ दिन पूरे साल के सर्वोत्कृष्ट दिन है और इसीलिए हमारे यहाँ पे पर्युषरा का इतना महत्व। प्रेम भक्ति आराधना प्रवचन के अद्भुत संगम से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें गुरु प्रेम मिशन की YouTube चैनल को और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।